नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल लाइव, मैं हूं आपके साथ रमन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी और प्रमुख खबरों पर। यूएई में प्रधानमंत्री मोदी का हुआ भव्य स्वागत, बुर्ज खलीफा पर तिरंगे के साथ पीएम मोदी का फोटो। राजघाट और आईटीओ पर आज भी भरा पानी, डेंजर जोन में दिल्ली, बारिश का येलो अलर्ट जारी। चंडीगढ़ पर हमले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर 21 जुलाई को दिल्ली में प्रदर्शन करेगी आरएलडी। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम मामले में आए हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, सजा पर रोक लगाने की मांग। चंद्रयान 3 की पहली कक्षा बदली गई, अब धरती से 42,000 किलोमीटर की दूरी पर लगा रहा चक्कर। मध्य प्रदेश में मनेगा विकास पर्व, 2,00,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का होगा ऐलान। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा का इंपैक्ट, 200 स्कूलों में तोड़फोड़, चोरी हो गए वॉश बेसिन। दिल्ली की आपदा पर चिट्ठीबाजी शुरू, सौरभ भारद्वाज ने एलजी को चिट्ठी लिखकर 3 अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका, दारा सिंह चौहान ने दिया इस्तीफा, बीजेपी में हो सकती है वापसी। हेट स्पीच मामले में आजम खान को 2 साल की सजा, जमानत पर हुए रिहा। तो ये थी आज की कुछ बड़ी और प्रमुख खबरें। बाकी देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए नेशनल लाइव के साथ। धन्यवाद।